तो गाइस ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया है, इसकी खिसाई मैंने ग्राइंडर से कर दी हूँ। और देख सकते हैं बुरादी वाली पूरी पुट्टी है, लकड़ियों में बहुत बड़े बड़े गैप थे, लकड़ियाँ फट चुकी थी। देख सकते हैं गाइस बुरादी वाली पुट्टी है ये फेविकोल की। जैसे आपके पुराने पल्ले या नए पल्ले हों जिनकी लकड़ियाँ फट जाए तो आप बुरादी वाली पुट्टी, बहुत सटीक पुट्टी होती है, आप इससे बढ़िया पुट्टी फिलअप करके इसकी घिसाई कर सकते हैं। और गाइस ये जो डोर देख रहे हैं आप, ये पूरा सागवान का डोर है और इसमें पुराना पॉलिश भी हुआ था। और ये देख सकते हैं गाइस ये पूरे गैप आ गए हैं इसमें, जो जो डोर है पूरा जॉइंट छोड़ दिया है। और इसमें पुट्टी हमको भरना है, ऐसी पुट्टी भरना है गाइस जो निकले ना। देख सकते हैं गाइस बहुत भयानक है, इसमें गड्ढे आ चुके हैं, पूरी लकड़ियाँ इसकी फट चुकी है देख सकते हैं। तो गाइस इसमें हमको ऐसी पुट्टी भरना है जो बढ़िया निकले ना, देख सकते हैं बुरादी वाली पुट्टी भरेंगे तो हम किसमें बुरादी वाली पुट्टी कैसे बनाएं वो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो गाइज मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह से पेंट पॉलिश से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। तो सबसे पहले गाइज हमको लकड़ी के बुरादे की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको जो बुरादा लेना है गाइज वो सागवान की ही लकड़ी का बुरादा लेना है। ये देख सकते हैं सागवान की लकड़ी का महीन वाला बुरादा है, एकदम बारीक बुरादा है। और आपको कलर के लिए गाइस थोड़ी सी पीली मिट्टी ले लेना है। ये मेरे पास मयूर ब्रांड की मिट्टी रखी है, पीली मिट्टी है, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। और गाइस ये देख सकते हैं मेरे पास बुल बॉन्ड का फेविकोल रखा है, आप ब्रांड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस हम इसको बढ़िया मिला के पुट्टी तैयार करके ये जो लकड़ियों के गड्ढे दिख रहे हैं इनको हम बढ़िया फिलअप कर देंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये पीली मिट्टी रखी हुई है, इसको बढ़िया आपको बुरादे के साथ बढ़िया अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, देख सकते हैं, ताकि लकड़ियों का कलर थोड़ा सा मिल जाए। और आप डायरेक्ट यदि बुरादा डाल के यदि पुट्टी बनाएंगे तो गाइस बुरादे की सूखने के बाद ये पूरा काला हो जाता है, एकदम काली काली पुट्टी दिखती है। तो आपको थोड़ी सी इसमें पीली मिट्टी बढ़िया मिक्स कर लेना है ताकि आपकी पुट्टी काली ना पड़े, देख सकते हैं। और आपको थोड़ा सा फेविकोल ले लेके थोड़ी थोड़ी पुट्टी बना लेना है, और जहाँ जहाँ पे लकड़ियों में गैप आए हैं, गड्ढे आए हैं, वहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको पुट्टी फिलअप कर लेना है। देख सकते हैं गाइस आपको बढ़िया सा फेविकोल ले लेना है और उसमें मिक्स करके बढ़िया आपको इस तरह से पुट्टी बना लेना है। और पुट्टी बनाते समय आपको थोड़ी गाइस टाइट पुट्टी बनाना है, नरम पुट्टी आप बनाओगे तो वो सूख के अंदर ही रह जाएगी सूखने के बाद। इसमें बढ़िया आपको टाइट थोड़ी सी पुट्टी बना के जहाँ जहाँ पे लकड़ियों में गैप आए आपको वहाँ पे भर लेना है बढ़िया तरीके से। आप गाइस यदि बुल बॉन्ड का भी और आप बोन टाइट का भी यूज़ करेंगे उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आती है, वो निकल जाता है। सबसे बेस्ट पुट्टी रहती है गाइस जो वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हों, बुरादे वाली पुट्टी। ये देख सकते हैं इस टाइप की आपको टाइट पुट्टी बना लेना है, जहाँ जहाँ पे मोटे गड्ढे हैं वहाँ पे आप बढ़िया तरीके से पुट्टी भर सकते हैं। ये देख सकते हैं गाइस आपको इतनी बढ़िया गाढ़ी पुट्टी बना लेना है, बनाने के बाद आपको बढ़िया दरवाजे में भर लेना, जैसे ये गड्ढा देख रहे हो आपको एकदम अंदर तक पुट्टी इसकी बढ़िया भर लेना है। इस टाइप से हल्की सी आपको ओवर पुट्टी भर लेना है ताकि ये सूखे तो अंदर बैठ जाए। और गाइस ये बहुत बढ़िया पुट्टी पट्टी है, ये आपकी कभी निकलेगी नहीं, देख सकते हैं बढ़िया आपको अच्छे से दवा दबा के पुट्टी भर लेनी है। ये गीली लकड़ी के कारण ये पूरे इसके जॉइंट निकल के आ गए हैं, आपको बढ़िया इस तरीके से इसमें पुट्टी लगा लेना है, देख सकते हैं।
तो गाइस हम इसी तरह से फटाफट जहाँ जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ वहाँ पे हम पूरी पुट्टी भर लेते हैं। और इसको सूखने के बाद गाइस मैं आपको घिस के भी दिखाऊंगा कि फिनिशिंग कितनी बढ़िया अच्छी आती है। और ये पुट्टी बहुत मजबूत पुट्टी होती है, तो गाइस वीडियो में बने रहिए। ऐसे जो देख रहे हैं पुट्टी देखो बढ़िया सूख के बढ़िया हो गई है। ये बुरादे वाली पुट्टी थी जहाँ जहाँ पे लगी थी, देख सकते हैं गाइस। तो गाइस हम इसकी बढ़िया घिसाई कर लेते हैं पहले ग्राइंडर से। तो ये हमारे पास ये 80 नंबर का सेंचुरी का पेपर रखा है, मैं आपको ग्राइंडर से इसको घिस के दिखाऊंगा। मार्क में आपको दिखाता हूँ एकदम। तो गाइस ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया है, इसकी घिसाई मैंने ग्राइंडर से कर दी हूँ। और देख सकते हैं बुरादी वाली पूरी पुट्टी है, लकड़ियों में बहुत बड़े बड़े गैप थे, लकड़ियाँ फट चुकी थी, देख सकते हैं गाइस। बुरादी वाली पुट्टी है ये फेविकोल की, जैसे आपके पुराने पल्ले या नए पल्ले हों जिनकी लकड़ियाँ फट जाए तो आप बुरादी वाली पुट्टी, बहुत सटीक पुट्टी होती है, आप इससे बढ़िया पुट्टी फिलअप करके इसकी घिसाई कर सकते हैं। और ये फेविकोल होने के कारण ये पुट्टी बाद में निकलती भी नहीं है। तो गाइज़ आपके पल्ले जैसे गर्मियों में ज़्यादा गर्मी के कारण पल्ले फट जाते हैं या फिर गीली लकड़ियों की वजह से पल्ले फट जाते हैं, तो उसमें आप ये बढ़िया पुट्टी बुरादे वाली यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने आपको इसमें वीडियो में बताया भी हूँ इसको यूज़ कैसे करें। तो गाइज़ इसी तरह से मैं पेंट पॉली से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल में ना मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।